खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मीरा भाईंदर ने पहली बार विश्व की पहली किन्नर भागवत आचार्य हेमांग की सखी माँ ने आरंभ की भागवत कथा। आपको बता दें कि यह कथा 3 दिन तक चलेगी और कथा के अंत में श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2 सितंबर को होगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव भी बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाएगा, जिसमें मीरा भाईंदर की जानी मानी हस्तियां शामिल होगी। आज कथा की शुरुआत में सचिन मात्रे नगर सेवक जी ने हेमांगी माँ से आशीर्वाद लिया और धर्मेंद्र शर्मा जी ने भी माता का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर मुख्य सेवादार जनता समाचार के संपादक ने कहा कि माता के प्रवचनों से हमको एक नई ऊर्जा मिलेगी और भगवद गीता का ज्ञान मिलेगा। और मीरा भाईंदर की जनता से अपील किया कि कथा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमार्यं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र हन्मेह। तात्पर्य ये है कि ये देह जो है नित्य प्रति समय बदलता रहता है, कौमार्य अवस्था से यौवन अवस्था, फिर उसके बाद वृद्ध अवस्था की ओर अग्रसर होता है और उसके बाद ये देह जो किसी काम का नहीं रहता है उसे त्यागना पड़ता है। जिस तरह से शरीर के ऊपर हमने वस्त्र धारण किए हैं, तो ये जब वस्त्र पुरातन होता है तो हमें इन वस्त्रों को भी त्यागना पड़ता है। इसी तरह ये आत्मा भी नवीन शरीर धारण करती है, क्योंकि पुराना शरीर किसी काम का नहीं रहता है, इसीलिए वो नवीन शरीर को धारण करके आगे की ओर अग्रसर होता है। मगर हमें ये 84 लाख योनियों के बाद ये शरीर मिला है। जब 84 लाख योनियों के बाद ये शरीर हमें मिलता है तो हमें इस शरीर का सदुपयोग करना चाहिए, ईश्वर के शरणों में आना चाहिए, भगवान के नामों का सिमरण करना चाहिए। भगवान ये नहीं कहते कि हमारे नामों के सिमरण के लिए गृहस्थ आश्रमों का त्याग कर दो, सर्वस्व त्याग करके आश्रम में बैठो या वन में चले जाओ। ईश्वर ने कभी ये नहीं कहा है। हमें अपने परिवार के साथ रह के गृहस्थ आश्रम में रह के गृहस्थों को भी भगवान नाम की महिमाओं के बारे में गान कराना सिखाना है और भौतिक जीवन में रह के भगवान का नाम लेना यही सर्वोच्च है, यही गृहस्थ आश्रम सर्वोच्च मान। देखिए, हमें अपने आप में बहुत ही गर्व है। क्यों? क्योंकि एक किन्नर होने के नाते हमने कभी हमारे जीवन में गलत रास्ता नहीं अपनाया। हम वृंदावन ब्रजभूमि वृंदावन में रह के शास्त्रों का अध्ययन करके और साथ ही साथ अपने कार्य करके और हम इस यहाँ तक पहुँचे हैं कि शास्त्र को हम लोगों के सामने रखें, भगवान की वाणी लोगों के सामने रखें कि भगवान क्या कहते हैं। लोगों को तो पता है, शास्त्रों का ज्ञान सबको है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट कहीं ना कहीं गृहस्थी में उलझते हैं हम और हम भूल बैठते हैं कहीं ना कहीं। फिर भी कहते हैं जब जागो तब सवेरा, क्योंकि हर वक्त भगवान श्री हरि अपने प्रतिनिधि को हमेशा अपने भक्तों के पास, जीव के पास भेजते हैं, क्योंकि संसार सागर में वो डूबा है, उसे उबारो, उसे पार लगाता है। तो पार कौन लगाता है? भगवान कहते हैं गुरु की शरणागत रहोगे तो गुरु से ज्ञान प्राप्ति होगी और ज्ञान से वैराग्य प्राप्त होगा और भगवान के श्री चरणों में हम पहुँचे। जब बचपन में हम बहुत छोटे थे, 15-16 साल की आयु की बात बताते हैं आपको, तो माता पिता की मृत्यु के बाद बहन की शादी करवाई, उसके बाद हमने ये विचार सोचा कि भाई अब हमें रह के कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कई लोगों की बातें और जो पुराने लोग हमारे थे
उन्होंने कई कमेंट्स भी दिए, बहुत सारी चीज़ें जीवन में उतराव चढ़ाव किसके नहीं आता है, वैसे हमारे भी आया बचपन में। तो हमने ये सोचा कि हमें ईश्वर की भक्ति कर लेना चाहिए, आश्रम में जाके अपने आप को समर्पित करके भगवान का नाम लेना है और कोई कार्य जीवन में करना है। इसी तरह से हमने पहला पैर आगे बढ़ाया और मंदिर की ओर हम चले गए और आश्रम में रहने लगे। कभी आश्रम में भी रहते थे, कभी घर पे आ जाते थे। इस तरह से करते करते बॉम्बे से दिल्ली, दिल्ली से वृंदावन पहुँचे। वृंदावन पहुँचने की इतनी उत्कंठा थी कि हमारे पास तो एक रुपया नहीं था कि वृंदावन हम कैसे पहुँचेंगे। फिर भी वो बोलते हैं ना, आपके मन में आस्था, श्रद्धा और भगवान के प्रति प्रेम है तो ईश्वर आपसे दूर नहीं और हम ईश्वर से दूर नहीं, और पहुँच जाते हैं। आइए, हम कुछ भाई अग्रवाल, मैं भद्रेश शाह, मुकेश भाई जोशी, तैलेश भाई सवाणी, पंकज भाई वेद, हम हेमांगी सखी माँ विश्व के पहले सिख किन्नर, इनको भागवत आचार्य का पुरस्कार आचार्य पदवी प्राप्त हुई। उनके द्वारा हम आज की युवा पीढ़ी के बीच में एक ऐसा मैसेज भेजना चाहते हैं कि धर्म है, हर धर्म है, लेकिन उसको एक कोई सही राह दिखाने वाला कोई नहीं है। बस वो राह दिखाने के लिए हम राजे माँ के शरण में आए और उन्होंने हमको जो गाइडलाइन दिया, धर्म का एक रास्ता दिखाया, तो इसलिए हमने मीरा रोड में पहली बार मीरा बिल्डर में जो भगवत आचार्य हैं पहले कितने, मैं पंकज मेहदी मीरा रोड से, खुशी की बात है कि माता जी आज मीरा बिंदर में आए हैं। उन्होंने विश्व के पहले किन्नर हैं जिनको भागवत आचार्य की पत्नी भी कहा। और ये जो संपन्न है, तीन दिन का हमारा जो प्रोग्राम है जिसे हम तीन दिन की भागवत करेंगे, तो आज के दिन से शुरुआत हो रही है। बिल्कुल, ये हम लोग अपील करते हैं मीरा बिंदर की जनता से कि आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और भागवत आचार्य जो भक्ति का रख लीजिए, और इनके आप जब शब्द सुनेंगे तो आपको अपने आप ही मन में लगेगा कि भगवान है कहीं ना कहीं। आज हमारे पास समय नहीं है भगवान को मानने का, लेकिन आप जब इनकी कथा सुनेंगे तो आपको एक रास्ता मिलेगा कि हमारे धर्म में भी एक अच्छा रास्ता है। मैं अपने धर्म की, हर धर्म की बात करता हूँ, आपको हर धर्म से सम्मान करना चाहिए और अपने धर्म को आगे लाना चाहिए। मेरा नाम शीला शर्मा है, मैं हॉबी क्लास टीचर हूँ, मैं बहुत सारे सोशल वर्क करती हूँ। और मुझे जब ये कार्ड मांगी सखी माँ का मुझे जब मिला, ये मांगी सखी फाउंडेशन की तरफ से, मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बार माँ जब मेरे घर आई, मैं तो बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो गई माँ को देख कर कि मेरा घर पवित्र हो गया। किसी ऐसे लोगों का मेरे घर में, जिनका चरण हमारे घर में पड़े, देख करके हमें बहुत अच्छा लगा। और प्लस यहाँ जितना, मैं तो सब लोगों को बोलूँगी कि एक बार ऐसा जो पंकज भाई ने जो ऑर्गेनाइज किया है इतना अच्छा, मीन्स मांगी सखी माँ का जो भागवत कथा तीन दिन का रखा है, उसमें प्लीज़ सारी लेडीज से अपील है कि घर से थोड़ा टाइम निकाल के शाम को आप 2 घंटे के लिए या 2-3 घंटे के लिए आइए और कथा का लाभ लीजिए। कि क्योंकि कथा तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे महात्मा और सब आते हैं, लेकिन पहली बार जब ऐसी किसी महिला के बारे में है तो मैं तो सबको बोलूँगी कि आकर के कथा का आनंद लेना चाहिए। देखिए, मैं सचिन केसरीनाथ मात्रे, प्रभाग क्रमांक 14 का नगर छोड़ हूँ। ये कार्यक्रम मेरे ख्याल से हो रहा है 13 नंबर। मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ कि इस कार्यक्रम में मुझे कल आना था और पहले दिन मैं यहाँ पे आ गया हूँ, क्योंकि इनविटेशन में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गए थे, दो लोगों ने इनविटेशन मुझे दिए थे, लेकिन कल आना था वो आज आ गया। सौभाग्य से पहला दर्शन मेरा हो गया। और इस विभाग में ही नहीं, मीरा भाईंदर में ऐसे कार्यक्रम हो रहे, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे पावन चरण हमारे मीरा भाईंदर को लगे हैं। अभी ज़रूर एक तो बदलाव होंगे और इनके आशीर्वाद से हमारे मीरा भाईंदर में कुछ अच्छा समय आए।